दोस्तों आज की कहानी है भाभी की तुलना माँ से क्यों। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। ससुराल में निया की ये पहली दिवाली थी। वह काफी उत्साहित होकर परिवार वालों के साथ पटाखे जलाने में मशगूल थी। अचानक पटाखे से निकली सिंगारी उसके पाँव के नीचे आ गई। वह जोर से चीखी। उसका पति विवान हड़बड़ाकर उसकी तरफ लपका, क्या हो गया, ज्यादा लगी तो नहीं ना, जाकर पानी में अपना पैर डालो, मैं मलहम लगा देता हूँ। इतना सुनते ही विवान की माँ बोल पड़ी, वाह बेटा, बीवी की तो बहुत तीमारदारी हो रही है, मेरे लिए तो तुझे कभी इतनी फिक्र नहीं हुई। माँ की बातें सुनते ही विवान वहाँ से झिंप कर हट गया। निया की आंखें भर आई, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरा ध्यान तुम नहीं रखोगे तो और कौन रखेगा। कमरे में निया ने रुंधे गले से विवान से कहा, इतनी छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लिया करो, जरा सी लगी थी तुम्हें, इतना इशू क्यों बना रही हो, यही छोटी छोटी बात आगे चलकर बड़ी हो जाएगी। विवान जिसे तुम नहीं समझ पा रहे, परंतु विवान ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। उसकी बेरुखी के कारण निया और विवान में झगड़े बढ़ने लगे। एक रविवार विवान जब निया के साथ बाहर घूमने के लिए निकल रहा था तब फिर से उसकी माँ ने टोका, वाह बेटा, ऐसे तो छुट्टियों वाले दिन तो सारा दिन सुस्त पड़ा रहता था, घर के किसी काम में कभी हाथ भी नहीं बटाता था, अब तो बहुत फुर्ती आ गई है तुझ में। माँ की बातें सुनकर विवान वहाँ से चुप साप चला गया। उसने अपनी माँ की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। इन्हीं सब बातों से परेशान होकर निया थोड़ी चुप चुप सी रहने लगी थी। विवान की शादी के बाद उसकी बहन रिचा पहली बार अपने मायके आई हुई थी। उसने अपनी भाभी को इतना चुप साप देखकर अपनी माँ से पूछा, माँ भाभी इतनी बुझी बुझी सी क्यों लग रही हैं? शादी के वक्त तो वह काफी खुश लग रही थी, अब ऐसा क्या हो गया? भाई भाभी के बीच कोई दिक्कत तो नहीं ना? कितने अनगिनत सवाल रिचा ने माँ से पूछ डाले। इतना ख्याल तो रखता है विवान तेरी भाभी का, फिर भी ना जाने क्यों दोनों हमेशा झगड़ते रहते हैं। हमारे जैसे व्यवहार इन्हें मिलने लगे तो जाने इनका क्या हाल होता। माँ तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? ये तो अच्छी बात है कि
भाई भाभी का इतना ख्याल रखते हैं, तुम्हें तो इस बात से काफी खुश होना चाहिए कि जो कुछ तुमने झेला वह तुम्हारी बहू को नहीं झेलना पड़ा। तुम्हें बुरा क्यों लगता है माँ? रिचा ने अपनी माँ को टोकते हुए कहा, ये क्या कह रही है तू, मुझे क्यों बुरा लगने लगा? मैं तो बहुत खुश हूँ कि विवान अपनी पत्नी का इतना ख्याल रखता है। माँ ने ऋचा की बातों का जवाब दिया, मुझे इस बारे में भाभी से बात करनी ही पड़ेगी। कहती हुई ऋचा भाभी के कमरे की ओर बढ़ चली। उसने अपनी भाभी से उनकी उदासी का कारण पूछा। निया ने भी ऋचा को सब कुछ साप साप बताया। तेरे भैया पहले जैसे नहीं रहे, अब उन्हें मेरी तनिक भी पर वहां नहीं रहती। मैंने इस बारे में उनसे कितनी बार बात करने की कोशिश की, परंतु उन्होंने अनसुना कर दिया। मुझे उनकी बेरुखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, इसी वजह से मेरा मन काफी आहत रखता है। अपनी भाभी की बातें सुनकर ऋचा को बहुत दुख हुआ। इसका जवाब ढूंढने वह अपने भाई के पास पहुंची। क्या बात है भाई, तुम्हारे और भाभी के बीच इतनी दूरियां क्यों आ गई हैं? अब तुम पहले जैसे उनका ख्याल क्यों नहीं रखते? अरे तुम्हारी भाभी बहुत नाजुक है, उसे हर छोटी बड़ी बात ना जाने क्यों इतनी बुरी लग जाती है। छोटी छोटी बातों को दिल से लगा कर रखेगी, तब वह कैसे खुश रह पाएगी? माँ को देखो, उसने शुरू से कितना कुछ है झेला है, फिर भी सब कुछ कितने अच्छे से संभाल लिया है। विवान ने ऋचा की बातों का जवाब दिया, भाभी की तुलना माँ से करने की क्या क्या मतलब है भैया? माँ को हम माँ की हैसियत से जानते हैं, उनकी खामियां तकलीफ के बारे में पापा बेहतर जानते होंगे। भाभी तुम्हारी पत्नी है, उसकी हर दुख तकलीफ का ख्याल तुम्हें रखना होगा। जिस तरह वह तुम्हारा ध्यान रखती है, हर इंसान की अलग अलग भावनाएं होती हैं, उन्हें एक दूसरे से तुलना करना कहाँ तक सही है? अगर मेरा पति मेरे बारे में इस तरह संवेदनहीन होकर बात करे तो क्या तुम्हें सुनकर अच्छा लगेगा? अपनी बहन ऋचा की बातें सुनकर विवान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने निया के पास जाकर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, सॉरी निया, मैं आगे से तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। अब तो मुस्कुरा दो मेरी जान। काफी समय के बाद निया अपने लिए विवान की आंखों इतना प्यार देख उसे अपलक निहार रही थी। सच दोस्तों, इंसान गलती करके ही सीखता है, लेकिन अगर हम अपनी गलतियों और बुरे अनुभवों से ना सीखे अपितु उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना ले तो वो नासूर का रूप लेने लगते हैं। अपनी हर गलतियों से कुछ सीख कर ही हम अपने सारे रिश्तों को मजबूत रख पाएंगे।
और जिंदगी की जंग में जीत हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।